मोदी ने चीन के अपने मेहमान के लिए जैसा सोचा था स्वागत वैसा ही गुजराती अंदाज में हुआ। एयरपोर्ट से लेकर साबरमती रिवर फ्रंट तक गुजराती संगीत से लेकर परंपराओं तक ने चीन के राष्ट्रपति को मुरीद बना लिया। खास तौर पर तैयार की गई हेरिटेज गैलरी में मोदी ने उन तस्वीरों से राष्ट्रपति का परिचय कराया जो दोनों मुल्कों को नजदीक लाने का सबब बन सकते हैं। अहमदाबाद के होटल हायत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की गर्मजोशी भरी मुलाकात ने हिंदी चीनी दोस्ती को ऐतिहासिक तस्वीर में ढाल दिया। खुद मेजबान मोदी ने आगे बढ़कर उस मेहमान का खैर मकदम किया जिसके साथ आने वाले दिनों में नए रिश्तों की खूबसूरत रवायत लिखी जानी है। होटल हायत में चीनी राष्ट्रपति के लिए सब कुछ गुजरात के रंग ढंग में रचा बसा था। खास तौर पर बनी हेरिटेज गैलरी में मोदी ने उन परंपराओं से चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात कराई जिसका ताल्लुक बौद्ध धर्म से रहा है। वडनगर और देवनी मोरी शहरों से लाई गई ऐतिहासिक तस्वीरों और मूर्तियों ने दोनों देशों को परंपराओं में और नजदीक से पिरो दिया। मोदी ने हाल के दिनों में वडनगर में खोजे गए बौद्ध मठ से मिली नायाब वस्तुओं को हेरिटेज गैलरी में जगह देकर अपने चीनी मेहमान का दिल जीत लिया। जो हम एक्सिबिशन किया उसमें जो हमें चीजें मिली सारी भगवान बुद्ध के रिलीफ हमारे पास। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सिर्फ 4 या 5 घंटे अहमदाबाद में रहे लेकिन हर मिनट हर सेकंड उन्होंने मोदी की शानदार मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाया। एयरपोर्ट पर जब ठीक दोपहर 3 बजे चीनी राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ विमान से बाहर निकले तो शान में गार्ड ऑफ ऑनर की धुनें गूंज उठी। चीनी राष्ट्रपति के अहमदाबाद की धरती पर कदम रखते ही दोस्ती का गुजराती गुलाल स्वागत की शक्ल में भरपूर उड़ा। एयरपोर्ट से बाहर आते ही शी जिनपिंग की शान में गुजराती परंपराओं में रचे बसे कलाकारों ने शानदार तान छेड़ी। दूर देश से आए अतिथि के लिए ये सब कुछ बड़ा अनोखा अद्भुत और भव्य था। गुजराती सुरताल के बीच चीनी राष्ट्रपति के सिर पर तना छाता तक गुजराती रंग में सना था। काठियावाड़ी छाते तले चीनी राष्ट्रपति आगे बढ़े तो दोनों देशों के रिश्तों ने मोदी के शब्दों में मीलों का नया सफर तय कर लिया। हालांकि चीनी राष्ट्रपति करीब आधे घंटे की देरी से अहमदाबाद पहुंचे, लेकिन मेहमान के इंतजार में आसमान पर टकटकी लगी रही। आखिर नए रिश्तों का सूर्य अहमदाबाद के आसमान में उदय हो रहा था। गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक।